हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू आईक्यू क्यू सो लेट्स स्टार्ट न्यूज़ सुपर एनालिसिस फॉर टेंथ ऑफ दिसंबर बिफोर दैट इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू कैन गो टू टेलीग्राम एंड सर्च फॉर आईक्यू टाइप ऑफिशियल आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन सी न्यूज़ को डिस्कस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ब्लैक बॉक्स देखिए आपको पता है कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनका रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डथ हो गई है नाउ उस पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है उसका रिट्री होना बहुत जरूरी है जो रिसेंटली मिल गया है तो हम ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करेंगे एग्जेक्टली क्या होता है और ये कैसे काम करता है देन विल टॉक अबाउट बर्ड फ्लू केरला के अंदर रिसेंटली बर्ड फ्लू आया है उसका एक आउटब्रेक आया है तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे वॉट इज बर्ड फ्लू देन विल टॉक अबाउट कोविन का एक रिसेंट वैक्सीनेशन डेटा आया है रिगार्डिंग कर्नाटका एंड तेलंगाना हम इसे समझेंगे देन विल टॉक अबाउट हाउ मोर साइक्लोन्स आर कमिंग इन रिसेंटली एज कम्पेयर टू बेफ बंगाल और उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है विद रिगार्डिंग टू सिक्योरिटी इन इंडिया एंड फाइनली विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी समिट जो कि यूएस के प्रेिडें जो बाइडन ने स्टार्ट किया है रिसेंटली uh, तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट न्यू दट वी हैव टू डि इट इज अबाउट ब्लैक बॉक्स उ देखिए ऑल दो इसका नेम है ब्लैक बॉक्स बट आपको ध्यान रखना है ये ब्लैक कलर का नहीं होता है इट इज ऑरेंज इन कलर ठीक है जैसा आप देख सकते हैं पर फोटो में दिस इज ऑरेंज इन कलर इट इज नॉट ब्लैक इन कलर नाउ एक ब्लैक बॉक्स एक टाइप एक का फ्लाइट रिकॉर्डर होता है जो कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है हवली प्रोटेक्टेड होता है यानी कि किसी भी पर्टिकुलर दुर्घटना या फिर क्रैश के केस में अगर किसी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का किसी का भी कोई भी किसी भी तरीके का टेक्निकल फॉल्ट आता है तो क्या फॉल्ट आया था उसको एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए इस ब्लैक बॉक्स का यूज किया जाता है एक टाइप का रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो कि जिस तरह हमारे फोन में मेमरी कार्ड होता है या फिर जो हमारे लैपटॉप हार्ड डिस्क होता है बिल्कुल वैसा ही होता है ठीक है मतलब उसी के तरीके से ये सारा का सारा काम करता है नाउ ये जो ब्लैक बॉक्स है ये रिकॉर्ड करता है ऑल द रेलिवेंट फ्लाइट डेटा स्पेशली कन्वर्सेशन इन द कॉकपेट देखिए कॉकपेट किसी पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर का वो पार्ट होता है जहां पर पायलट्स बैठते हैं ठीक है थेके? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनकी कन्वर्सेशन को सुनना अगर किसी भी टाइप का टेक्निकल फॉल्ट या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई है उस पर्टिकुलर फ्लाइट के अंदर तो एग्जैक्टली exactly वो पायलट्स क्या बात कर रहे थे लास्ट टाइम में मतलब क्या वो प्रॉब्लम को डिसकस कर रहे थे उसे समझना बहुत जरूरी होता है नाउ पहले ऐसा माना जाता था टोटल दो ऐसी डिवाइसेज अलग अलग डिवाइसेज थे जो कि एरोप्लेन्स के अंदर खे जाते थे जिसके अंदर यह रिकॉर्ड होता था वन इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड सेकंड इज कॉकपेट वॉइस रिकॉर्डर ठीक है तो देखिए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर है वो पूरे के पूरे फ्लाइट का डेटा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा रिकॉर्ड करता है उसके बारे में हम अभी देखेंगे एंड सेकंड इज इज सी दैट वॉइस रिकॉर्डर ये जो है वो स्पेशली कॉकपेट के अंदर यानी कि पायलट्स क्या बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन क्या है उनका वो किस बात की में डिस्कस कर रहे हैं इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है लेकिन अभी के टाइम में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि ये दोनों यानी कि एफडीआर और सीवीआर दोनों को ही कंबाइन करके एक सिंगल डिवाइस बना दिया गया है ठीक है बट इट डज नॉट मैटर या तो एक हो या फिर दो हो पॉइंट ये है कि दोनों दोनों ही जगहों का जितना भी डेटा है उन सबको रिकॉर्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ ये जो ब्लैक बॉक्स है देखो जैसा हमने अभी इसकी बात की हैवीली प्रोटेक्टेड होता है नाउ इट शुड बी एबल टू विदस्टैंड मेनी एक्सीडेंट सीनैरियोज देखिए जब भी इसको बनाया जाता है तो उसको इतना कैपेबल बनाया जाता है कि अगर उस पर्टिकुलर इस उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का कोई एक्सीडेंट हो जाए क्रैश हो जाए फिर जितना मर्जी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए ये ब्लैक बॉक्स हमेशा रिट्रीव कर लेना चाहिए मतलब इसको हमें बचाना ज़्यादा जरूरी है तो उसके लिए मतलब बनाने के बाद उसको कुछ टेस्टिंग की जाती है क्या क्या टेस्टिंग होती है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक इम्पैक्ट कराया जाता है एक कॉन्क्रीट एक, एक वॉल के साथ दैट इज़ यू नो जो ब्लैक बॉक्स है उसको सेवन फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कराया जाता है उसमें उसके साथ अराउंड टू पॉइंट टू फाइव टन्स का सामान यानी कि लोड रखा जाता है इस ब्लैक बॉक्स के पास ठीक है उसके बाद इसको अराउंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर पर आर के स्पीड से मूव कराया जाता है और उसके बाद इसे कंक्रीट वॉल से टकराया जाता है उसके बाद मतलब चाहिए हमें यह होता है कि इतने ज़्यादा वेट को लेकर इतने ज्यादा स्पीड के से टकराने के बावजूद उस पर्टिकुलर वॉल से टकराने के बावजूद ये ब्लैक बॉक्स टूटना नहीं चाहिए ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल गेस का टेस्टिंग होती है इसके अलावा इट शुड बी एबल टू विथ स्टैंड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ़ अराउंड हंड्रेड एंड एलेवन डिग्री सेल्सियस मतलब ग्यारह डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको सहना चाहिए अगर कोई क्रैश हो गया यानी कि अचानक से आग लगी किसी भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर में तो वहाँ पर उसको इलेवन डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर मतलब उसको सहने की विद करने कि इतनी कैपेसिटी बनाई जाती है ब्लैक बॉक्स की एंड फाइनली अगर किसी पानी वगैरह में गिर जाए तो इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो वाटर प्रेशर झेल सकता है अराउंड छह मीटर के डीप तक की मतलब 6000 मीटर के नीचे भी अगर जाएगा ये तब भी इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होगा तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये, कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज्यादा कैपेबल होता है नाउ इन ऑर्डर टू बी बीजियर फाइंड इट सी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन एरो का क्रैश होता है इन द सी पानी के अंदर क्रैश होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स का है

ल ब्लॉक का मतलब है कि एक्सट्रीम टेंपरेचर भी अगर आ जाए तो भी इस पर्टिकुलर चिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा ठीक है तो इसी के अंदर वो मेमोरी यूनिट रखी होती है उसके अलावा थर्ड चीज जो आप देख रहे हैं दिस इज अंडर वाटर लोकेटर बीकन मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो कि सिग्नल प्रोवाइड करता है अगर ये पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स पानी के अंदर चला जाए और अगर वो सॉल्ट वाटर के कांटेक्ट में आएगा ठीक है सॉल्ट वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो यह अराउंड दो किलोमीटर का रेडियस प्रोवाइड करता है मतलब यह सिग्नल्स भेजता है ठीक है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एफडीआर और सी कैसे काम करता है नाउ आपको ये भी समझना है कि जितने भी वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं वो हर एक साउंड को मतलब कैप्चर करने की कोशिश करता है जो कि काकपेट के अंदर हो रहा है यानी कि पायलट्स के आसपास हर एक साउंड को मतलब ये प्रॉपरली कैप्चर करता है जैसे कि जितने भी डिस्कशंस होते हैं बिटवीन द पायलट्स उसको उसको ये प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है इसके अलावा ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर अनाउंसमेंट्स हैं जितने भी फ्लाइट्स होते हैं उनका जो भी कंप्यूटर अनाउंसमेंट हो रहा है उनको भी प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है इसके अलावा जितने भी, अलावा, जितने भी रेडियो ट्रैफिक है उसके अलावा जो क्रू के साथ जो डिस्कशन चल रही है पायलट की या फिर जो भी पैसेंजर्स को अनाउंस वगैरह किया जा रहा है वो हर चीज़ इसके अंदर

थर्ड इज एयरक्राफ्ट का लोकेशन कहां कहां पर है उसको लगातार ट्रैक करता रहता है और उसको लगातार स्टोर करता रहता है फोर्थ उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या है ठीक है इंजन का टेम्परेचर क्या है एग्जॉस्ट का टेम्परेचर क्या है और फाइनली फ्लैप की पोजिशन क्या है फ्लैप मतलब विंग्स ठीक है विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट की पोजिशन क्या है इन हर चीज को वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करता रहता है इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा को ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करता है और अपने अंदर स्टोर करता रहता है अब ये जो डेटा है अगर चांस कोई भी पर्टिकुलर क्रैश हो जाए तो उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करती है कि वट वॉज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इंसिडेंट ताकि हम किसी भी टाइप के एर से मतलब बच सके हैं। मतलब हमें अंदाजा ना लगाना पड़े हमें गेस ना करना पड़े कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज के कारण क्रैश हुआ हो हमारे पास एक एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए कि वट वॉज द मेन रीजन ताकि हम अगली बार उस पर्टिकुलर रीजन को रोक सके और दोबारा वो पर्टिकुलर प्लेन या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्लेन को क्रैश करने से बचा सके हम ना आपको यह भी ध्यान रखना है कि हर एक एजेंसी जो है उस ब्लैक बॉक्स को रीड नहीं कर सकती है आर ओनली अ फ्यू स्पेशलाइज एजेंसीज जो कि इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स को प्रॉपरली एवेलुएट कर सकती है जैसे जो रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो मतलब जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसका जो फ्लाइट

आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा नाउ बर्ड फ्लू नाउ देखिए आपको समझना है, इसे एविन भी कहते है। एविन का मतलब होता है ठीक है त्यानिकी? ये आपको रखना एक वायरल डिजीज है हाईली है मतलब बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा फैलता है इट अफेक्ट्स सेवरल स्पीसीज ऑफ फूड फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स जैसे कि हैं टर्कीज हैं क्वेल्स हैं है, है, गीनिया फाउल हैं जितने भी फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स हैं उनको ये मेनली सबसे ज्यादा इसके अलावा जितने पेट बर्ड्स है और जो वाइल्ड बर्ड्स हैं ये कर सकता है आपको ध्यान रखना है जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर वायरस का नेचुरल होस्ट होते हैं ठीक है और नेचुरल रिजर्व के तरह काम करते हैं जि, मतलब जिसके अंदर उन बर्ड्स के अंदर ऑलरेडी हर टाइप का ऑलरेडी पाया जाता है इसके कारण इट प्ले मेजर रोल इन एवोल्यूशन मेंटेनेंस एंड स्प्रेड ऑफ दिस वायरस यानी कि यही वो पर्टिकुलर बर्ड्स ही होते हैं मतलब बर्ड्स के अंदर ऑलरेडी ये वायरस प्रेजेंट होते हैं और यही मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो एक होस्ट की तरह काम कर रहा होता है जो कि उस वायरस को मेंटेन भी कर रहे हो तो उनको स्प्रेड करने में हेल्प भी कर रहे होते हैं ठीक है आई होप आपको चीज़ समझ आ रही होगी नो द वायरस कैन इनफेक्ट डोमेस्टिक पोल्ट्री डोमेस्टिक पोल्ट्री का मतलब है जो घर में यू नो लोग मुर्गियाँ पालते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को पालते हैं उसके अंदर यह सब ज्यादा फैलती है एंड देर हैव बीन अ रिपोर्ट ऑफ एच फाइव नाइन वन इन्फेक्शन अमंग पिग्स कैट्स एंड इवन टाइगर्स इन द थाईलैंड जूस आपको ध्यान रखना देखिए ऑल हमने यहाँ पर बात की ये कि सिर्फ मेनली यह बर्ड्स के अंदर फैलता है बट इसके बावजूद ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पर जहाँ पर एच फाइव एन वन यानी कि बर्ड फ्लू जो है एच फाइव एन वन इसके बारे में हम रिसेंटली बात करेंगे अभी बात करेंगे ये जो है पिग्स के अंदर भी देखा गया है कैट्स के अंदर भी देखा गया है यहां तक कि कुछ केसेस के अंदर टाइगर्स के अंदर भी देखे गए हैं थाइलैंड के अंदर नाउ इसके सिम्टम्स की बात करें इट इज अराउंड माइल्ड टू सिवियर इफ्लुंजा लाइक इलनेस ठीक है इनफ्लुंजा लाइक इलनेस कॉज करता है कुछ भी बहुत ही माइल्ड होता है कुछ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है विच कैन कॉज डेथ देखिए जो एवन इन्फ्लू टाइप ए है देआर क्लासीफाइड ऑन टू प्रोटीस उसके अंदर बेसिकली दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं फर्स्ट इज कॉल्ड एच ए यानी कि हेमाग्लोटिन और सेकेंड इज कॉल्ड एन ए दट इज न्यूरा मैनिड ए ठीक है नाउ जो हेमाग्लोटी है उसके टोटल एटीन सब टाइप्स है और जो एन ए है उसके टोटल इलेवन सब टाइप्स हैं इसी का कॉम्बिनेशन जो है यही आगे जाकर प्रॉब्लम कॉज करता है जैसे कि देखिए अगर एच और एन साथ में मिल जाए एच के फाइव uh, प्रोटीन्स और एन का वन हो दट कॉजे एच फाइव एन वन दिस इज द मेन बर्ड फ्लू इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे सब टाइप्स हैंच से दो डिफरेंट है, करते हैं different factions, तो इन डिफरेंट फैक्शन तो इनमें से कुछ ऐसी होती है एवियन एंड स्वाइन इन्फ्लुएंजा इन है इसका मतलब इसका मतलब यह है कि जूनॉटिकूनॉटिक का मतलब होता है एक ऐसे डिजीज जो कि एनिमल्स uh, से ह्यूमस के अंदर आ सकती है तो आपने जैसा देखा कि बर्ड्स और स्वाइन यानी कि पिक के अंदर प्रेजेंट होता है बट इसके बावजूद Humans के अंदर भी देखा गया है नाउट दिस इंफेक्शन इज वेरी डेडली एज इट एज अटेलिटी रेट ऑफ अराउंड सिक्सटी परसेंट मतलब अगर किसी हु जाए तो इट इज हाईली डेडली और यह अराउंड सिक्सटी परसेंट डेथ कॉज कर सकता है मोस्ट कॉमन रूट क्या है वायरस का मतलब कैसे वायरस ट्रांसमिट होता है इट इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब जो भी पटिकुलर जो भी पर्टिकुलर इनफेक्ट बर्ड है फिर इफेक्टेड uh, स्वाइन अगर हम उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हम डायरेक्टली कंटामिनेट हो सकते हैं जैसे कोई कंटामिनेटेड सर्फेस है या फिर कंटामिनेटेड एयर है जो कि उस पोल्ट्री के आसपास है तो वहाँ से भी ये पर्टिकुलर वायरस जो है ह्यूमन्स के अंदर आ सकती हैं। आपको ध्यान रखना है ये जो, जो इन्फ्लुएंजा है इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के, होते हैं। जो के दो टाइप के होते हैं और हाई वाले में बहुत ज्यादा हाई करते हैं विच कैन कॉज सिविर क्लिनिकल साइंस एंड पोटेंशियली हाई मोटालिटी रेट्स अमंग पोल्ट्री ठीक है तो ध्यान रखना है मेनली जो बर्ड्स वगैरह है जितने भी डोमेस्टिक पिग्स होते हैं डोमेस्टिक बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा हाई मोर्टालिटी कॉज कर सकता है मतलब

टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस तो कल करने का मतलब है कि किसी को मार देना किसी एनिमल्स uh, को मार देना ताकि वो पर्टिकुलर वायरस ज्यादा ना फैले ठीक है तो इसलिए कल किया गया है ताकि उसको कंटेन कर सके और इव इन्फ्लूजर जो है इट हैज ऑल्सो कैप्चर दटेंशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवर द ईयर्स विद आउटब्रेक्स इन पोल्ट्री हैविंग सीरियस कॉन्सिक्वेंस बोथ लाइवलीहुड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन मैनी कंट्रीज ठीक है तो आपको यहाँ पर देखिए जो एवन इफ्लूंजा है अभी लगातार यू नो टाइम इंटरनेशनल न्यूज में आ रहा है इंटरनेशनल लोगों के उसमें आ रहा है मतलब नोटिस में आ रहा है उसके कारण इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज ये हमारे आगे जाकर हमारे लाइवलीड को भी डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है और जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है इसको भी डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है इसको मॉनिटर करना है उसको कंट्रोल करना है दिस इज वेरी इंपॉर्टें नाउ बायो सिक्योरिटी मेजर्स लगाने की बहुत जरूरत है उसको इंप्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है ताकि वायरस अगर एक पर्टिकुलर जगह पर आ भी गया है तो वो स्प्रेड होकर आगे ना फैलना स्टार्ट हो जाए बिकॉज इससे डायरेक्टली हमारे कंट्री एंड ग्लोबल लेवल पर जो फूड सिक्योरिटी है और जो लाइवलीहुड है फार्मर्स का वो दोनों ही डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं ठीक है देखिए जिसके बारे में बात की ऑलरेडी कि एक जूनोटिक पोटेंशियल रखता है मतलब ये आ, एनिमल्स टू तो, ह्यूमंस भी फैल सकता है जैसा हमने ऑलरेडी देखा कि उसकी केसेस ऑलरेडी ऑलरेडी ह्यूमंस के अंदर फैल चुकी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज अराउंड कोविन वैक्सीनेशन डेटा देखिए आपको समझना है कि जो कर्नाटका है कर्नाटक के अंदर जो फर्स्ट डोज का जो टोटल वैक्सीन का परसेंटेज है मतलब कितने लोगों को फर्स्ट डोज मिल चुका है इट रीज अराउंड नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव सेवन परसेंट मतलब समझ रहे हैं अराउंड 94.57 परसेंट लोगों को कर्नाटक के अंदर दे हैव ऑलरेडी कॉट द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन ठीक है आपको ध्यान रखना yeah है ये अराउंड hmm. दस दिन पहले कर्नाटक थर्ड नंबर पे था ठीक है फर्स्ट पे गुजरात है अराउंड नाइन्टी के साथ एंड सेकंड नंबर पर एम है दैट इज अराउंड नाइन के साथ एंड अचानक से कर्नाटक है जंप टू प्लेसेस एंड इट हैज रीच द टॉप स्पॉट ठीक है तो मतलब सबसे ज्यादा इसने वैक्सीनेशन लगातार प्रोवाइड की है नाउ आपको ध्यान रखना है कि नवंबर यानी कि पिछले एक महीने में सिर्फ कर्नाटक के अंदर अराउंड नाइन्टी लाख न्यू शन किए गए हैं जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों इंक्लूडेड लेकिन उसमें से फिफ्टी थ्री परसेंट से ज्यादा जो वैक्सीनेशन किए गए हैं, हैज़ बिन इन द लास्ट नाइन डेज अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा यहां पर वैक्सीनेशन किए गए हैं नाउ वैक्सीनेशन है ट्वेंटी सिक्स इसका रीजन क्या है इसका रीजन है ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट आया है कोविड के कारण कोविड का उसके कारण लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जाकर वहां पर वैक्सीनेशन करवाया है यहाँ पर देखा गया है पिछले नौ दिनों के अंदर मोर देन फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ दिस नाइन्टी वन लाख यानी कि अराउंड पचास लाख यानी कि फोर्टी फाइव लाख प्लस लोगों ने यहां पर जाकर वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया है इन द लास्ट वन वीक

सेकेंड डोज भी ले लिया कि फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं आई होप आप इस पर्टिकुलर डेटा uh, को आपको समझ आ गया होगा ठीक है कर्नाटक लगातार इंक्रीज हो रहा है तेलंगाना लगातार इंक्रीज हो रहा है जहां हमने बात की एमपी लगातार इंक्रीज हो रहा है एंड गुजरात लगातार इंक्रीज हो रहा है ठीक है ये चार स्टेट्स ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन के कवरेज में काफी अच्छा कर रहे हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिकॉक अबाउट इस देर आर मोर साइक्लोन्स इन अरेबियंसी विच है नंबर ऑफ साइक्लोन विच है वेरी हैवी एंड एक्सट्रीमली हैवी जो देखिए ऐसे साइक्लो जिन्होंने बहुत ज्यादा यानी कि वेरी हैवी रेनफॉलॉल किया है फिर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल किया है वो लगातार इक्रीज हो रहे हैं इन रीसेंट इयर्स ठीक है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं इसका एक रीजन क्या है क्लाइमेट चेंज नाउ एक एनालिसिस किया गया है ऑफ द पास्ट डेट ऑफ साइक्लोन्स 1891 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी साइक्लोन्स किए गए हैं उनको जब प्रॉपली एनालाइज किया गया तो यह पाया गया दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम्स ठीक है मतलब ऐसे स्टॉम्स जो कि वेरी सीवियर की कैटेगरी में आते हैं जो वेरी सीवियर रेनफॉल कॉज करते हैं इट हैज इंक्रीज इन द पास्ट फ्यू ईयर ओवर द अरेबियन सी अरेबियन सी की बात करें वहां पर लगातार ही देखिए इस पर्टिकुलर ये है अरेबियन सी ठीक है और ये है ऑफ बंगाल तो अरेबियन सी जो है यहाँ पर लगातार ये पर्टिकुलर साइक्लोनिक स्टॉम जो है लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम कौन सा होता है एक ऐसा स्टॉप जिसकी विंड स्पीड जो है अराउंड 220 किलोमीटर पर आवर हो ठीक है उसे कहते हैं वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉक ये फोर्थ हाईएस्ट कैटेगरी होता है साइक्लोन का जस्ट बिलो एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन ठीक है जो फर्स्ट कैटेगरी होता है सेकंड कैटेगरी uh, होता है थर्ड नंबर पर आता है एक्सट्रीमली सिविर एंड फोर्थ नंबर पर आता है वेरी सिविर ठीक है आपको यहां पर समझ आ गया होगा कि ये साइक्लोन्स लगातार रेबिन से अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं

अरेबियंसी हैव नॉट पोस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कॉस्टल वर्नेबिलिटी आपको ध्यान रखना है कि ऑल दो लगातार देखिए साइक्लोन्स लगातार अरेबियन सी में बढ़ रहे हैं न्यूज यही है कि अरेबियन सी में लगातार साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं बट इससे इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ रहा बिकॉज जितना भी साइक्लोन्स uh, है वो सबके सब यमन या फिर ओमान की तरफ जा रहे हैं देखिए इस पर्टिकुलर इमेज uh, को देखिए यहाँ पर यह है बे ऑफ बंगाल

आपको ध्यान रखना है जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उसमें से 60 से 80 परसेंट ऐसे हैं जो कि या तो अरेबियन सी में ओरिजिनेट होते हैं या फिर व्यव बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं एंड दे डायरेक्टली कॉज द दे डायरेक्टली कॉज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर एरियाज स्पेशली वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी ये देखिए ये सब जितने भी हमारे ये ईस्टर्न कोस्ट की कंट्रीज हैं तमिलनाडु यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर उड़ीसा हो गया यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया ये सारे के -सारे, सारे स्टेट्स डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं साइक्लोन से पर जो वेस्ट के जो स्टेट्स हैं वो उतना ज्यादा इंपैक्टेड नहीं है बिकॉज साइक्लोन से यहाँ पर मूव कर जाता है लेकिन आपको ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर साइक्लोन जीरो है, जी नहीं, जीरो बिल्कुल नहीं है आता है बट ईस्ट कोस्ट से बहुत ही कम आते हैं

कंक्रीट कमिटमेंट्स टू रीअफॉर्म देर डेमोक्रेटिक वैल्यूज उन्होंने जितने भी कंट्रीज को बुलाया उन सबको बोला कि आप सबको कुछ ऐसे कमिटमेंट्स लेने हैं कि आप क्या क्या करेंगे अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आप क्या क्या करेंगे उस चीज को आपको मेंटेन करने के लिए कुछ प्रॉपर कमिटमेंट्स लेने हैं तो आपको लेने है, हैं ठीक है इसके अलावा मोर देन हंड्रेड कंट्रीज हैव बिन इन्वाइटेड टू दिस समिट एंड उसके अलावा बहुत सारे सिविल सोसाइटी के एक्टर्स हैं और बहुत सारे पार्लियामेंट्स हैं बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं उन सबको भी इस पर्टिकुलर समिट के अंदर बुलाया गया है नाउ य जो डेमोक्रेसी है इट डज नॉट हैपन बाई एक्सीडेंट वी हैव टू इट विद विद जनरेशन बाय जनरेशन ठीक है हर जनरेशन में हमें इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पास ऑन करना होता था, था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर डेमोक्रेसी की जो सोच है वो उस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर इनहेरिटेड होनी चाहिए ऐसा जो बाइडन का कहना था ठीक है कि डेमोक्रेसी हम किसी को बाई एक्सीडेंट नहीं दे सकते हम किसी को इन्हेरिटेंस में नहीं दे सकते हम किसी को मतलब जबरदस्ती नहीं दे सकते डेमोक्रेसी लाइक like देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हम लगातार इलेक्शन वगैरह करवाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी ग्लोबल एफर्ट्स लगाए गए वहाँ पे इलेक्शन कराने के बट जैसा आप देख सकते हैं आज तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं हो पाई है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी किसी को आप जबरदस्ती नहीं दे सकते वो आप इनहेरिट कर सकते हो मतलब आप जनरेशन टू तो जनरेशन पास कर सकते हो जब लोगों को डेमोक्रेसी की वैल्यू समझ आएगी जो प्राइवेसी यू नो लिबर्टी फ्रीडम इन सबकी वैल्यू पता चलेगी तो ऑटोमेटिकली जितने भी कंट्रीज है वो सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ऑटोमेटिकली अपनाना शुरू कर देंगे Now, इसके अलावा ए ने इट हैल्सो लॉन्च प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक है एक इनिशिएटिव लॉन्च डेमोक्रेटिक रिन्यूअल जो कि यूएसए के जो पार्लियामेंट है उसके साथ मिलकर टोटल जो जो बाइडन है उन्होंने बोला है कि अराउंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर मिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा जिसके अंदर डेमोक्रेसी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा जैसे कि ट्रांसपेरेंसी uh, 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 इन इलेक्शन ठीक है फेयर इलेक्शन फ्री एंड फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इन सबको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे जिसके अंदर टोटल फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर मिलियनियनियनियनियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया अनाउंस किया Now, media, कि press, है नाउ इसमें मीडिया यानी कि फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस जो मीडिया है इट इज कॉल्ड एज द बेड्रॉक ऑफ डेमोक्रेसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको मेंटेन करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक मल्टीलेटरल एफर्ट की जरूरत है जो कि रिसेंटली इस डेमोक्रेसी समिट में लॉन्च किया गया है

अगर आपका वो आरोप गलत साबित हुआ तो आपसे वो डिफॉर्मेशन यानी कि मानहानि का क्लेम कर सकता है लेकिन रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट नाम की जो बॉडी है उसने ये बोला है कि हम एक डिफेमेशन डिफेंस फंड बनाएंगे ताकि जितने भी जर्नलिस्ट वगैरह हैं जो कि अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं और ऐसा कोई भी पर्सन जो कि यू कुछ गलत कर रहा है उसको लाइमलाइट में लेकर आते हैं राइट मीडिया वाले तो ऐसे लोगों को डिफेमेशन से बचा, बचाया जा सके यानी कि मीडिया के लोगों को डिफेमेशन से बचाया जा सके ताकि वो पूरे वर्ल्ड में अपना काम वाइटल तरीके से मतलब फ्री एंड फेयर तरीके से कर सके जितने भी मीडिया वाले हैं ठीक है इसलिए फंड बनाया जाएगा इसके अलावा द समिट इज ऑल्सो लाइकली टू सी बहुत सारी कमिटमेंट ऐसा तो मैं पता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो आपस में कमिटमेंट करेगी कि कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो इन कमिटमेंट्स को बाइंडिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है जो इस पर्टिकुलर समिट के अंदर अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। मतलब सिर्फ ये बोला गया है कि आप अपना अपना कमिटमेंट कीजिए बट उस पर्टिकुलर कमिटमेंट को बाइंडिंग कराना है फिर क्या होगा इसके बारे में कोई भी बात नहीं गई है समिट देर बीर ऑफ कंसल्टेशन एंड बहुत सारे बातचीत होगी ठीक है यहाँ पर कंसल्टेशन करने की कोशिश करेगी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करेंगे आपस में मिलकर यू नो डिफरेंट बायलेटरल टॉक्स वगैरह होंगी बट द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर वो है कि इस पर्टिकुलर चीज को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंडिंग करना होगा उसके बाद ही इन कमिटमेंट्स को लेने का फायदा है अदरवाइज इस कमिटमेंट्स से कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं इसके अलावा ये तो फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट हो रही है बात की गई है कि अगले साल यानी कि 2022 के अंदर देर विल बी सेकंड समिट जो कि डेमोक्रेसी समिट की जाएगी जहां पर जितने भी कंट्रीज ने जो जो कमिटमेंट्स किया है उसमें कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कमिटमेंट्स पे इस पर बात करने के लिए वो सेकंड समिट किया जाएगा हाउएवर जितने भी मॉनिटरिंग मैकेजम्स हैं सीम टू रिलाई ऑन द सिविल सोसाइटी एक्टर्स होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल जितने भी मॉनिटरिंग मैकेजम्स हैं पॉइंट ये है कि जितने भी सिविल सोसाइटीज मतलब एनजीओ वगैरह हैं एनपीओ वगैरह हैं वो लोग वो लोग गवर्नमेंट को यू नो अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं मतलब तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया गवर्नमेंट ने वो नहीं किया क्यों डेमोक्रेसी खराब हुई है बट द पॉइंट इज हमें यहाँ पर ब्लेम गेम नहीं खेलना है ठीक है ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है उसका टाइम खत्म हो गया है अब हमें काम इस चीज़ के लिए करना है कि कैसे हम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हमारी लगातार डिक्रीज हो रही है उसको कैसे हम फिर से इंप्रूव कर सकते हैं हमें इस चीज़ के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है तो डेमोक्रेसी समिट का मेन जो वैल्यू है हमें उस चीज़ के लिए जाना है जो मेन थीम है थीम ये है कि हमें फिर से बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज लगातार कम हो रही है उसको हमें फिर से इंप्रूव करना है हमें इस चीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने की जरूरत है ना कि अभी हमें ब्लेम गेम खेलना है कि कौन सी कंट्री नीचे जा रही है कौन सी कंट्री ऊपर जा रही है ठीक है आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा आज के जितने भी डिस्कशन हुए हैं उसको हम रिवजन के फॉर्मेट में रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन ट्रू या फॉल्स फॉर्मेट ठीक है इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स

वहीं से उसको ऑपरेट करता है इंडियन आर्मी के पास ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है सेकंड इज इंडिया हैज अक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर फ्रॉम रशिया जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये सोवियत डिजाइन का हेलीकॉप्टर है और रशिया से हमने इसको रिसेंटली लिया है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज रन बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जितने भी आ, हमारे मिलिट्री के चीफ हैं या फिर कुछ फॉरन फ्रेंडली कंट्रीज जिनके जितने भी बड़े बड़े डिग्नेटरी हैं या फिर जो मिलिट्री पोस्ट के हाइएस्ट पोस्ट है उन सबको इस पर्टिकुलर अकेडमी के अंदर ट्रेन किया जाता है ठीक है तो जितने भी हमारे आर्मी के चीफ्स हैं नेवी के चीफ्स हैं एयरफोर्स के चीफ्स हैं उन सबने यहाँ से प्रॉपरली ट्रेनिंग ली है अपनी ज दैट कैश पे टू द कोर्ट एट टाइम ऑफ बेल स्केट एज ऑपरेशनल फी आफ्टर द केस इज ओवर जी नहीं गलत स्टेटमेंट है कल हमने बात की थी कि जब केस खत्म हो जाएगा अगर आपने प्रॉपरली उस पर्टिकुलर कोर्ट में अपनी हाजरी दी है और सारा सारा को, जितने उस पर्टिकुलर केस को प्रॉपरली कंप्लीट करने में अपनी हेल्प की है तो सारा पैसा आपको वापस हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न हो जाएगा वो पैसा आपको ठीक है वो कोर्ट अपने पास कोई पैसा नहीं रखता है एंड फाइनल क्वेश्चन वॉज एन धोधन डैम इज लोकेट इन मध्यप्रदेश जी हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मध्यप्रदेश के अंदर जो केन बेटा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के ऊपर ये धोन म बनाने की कोशिश की जा रही है नाउ दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग